एशिया कप में विराट कोहली के टीम से बाहर होने का राज अब खुल गया है। अब तक ये माना जा रहा था कि चोट के कारण विराट ने टीम से अपना नाम वापस लिया है, लेकिन अब टीम के प्रमुख कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि विराट चोटिल नहीं थे बल्कि आराम दिया गया था। शास्त्री ने कहा कि शारीरिक रूप से विराट बहुत मजबूत हैं, उन्हें मैदान से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें आराम की जरूरत थी, इस कारण उन्हें एशिया कप के टीम के लिए नहीं चुना गया था। शास्त्री ने कहा कि टीम में खिलाड़ियों को समय समय पर आराम की जरूरत पड़ती है जिससे वो मजबूती के साथ वापसी कर सकें। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी इसी नीति के तहत भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। भारत के खिलाफ राजकोट में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज केमर रोज स्वदेश लौट गए हैं। वेस्टइंडीज के कोच स्टुअर्ट लॉ ने बताया कि रोज की दादी का निधन हो गया है, इस कारण रोज को बारबाडोस जाना पड़ा। अब वो पहला टेस्ट शुरू होने के बाद ही टीम से जुड़ पाएंगे। रोज ने वेस्टइंडीज के लिए 48 टेस्ट खेले हैं जिसमें 28.31 के औसत से 163 विकेट निकाले हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच राजकोट में बुधवार से शुरू होना है। बांग्लादेश में खेले जा रहे अंडर 19 एशिया कप में भारत ने अफगानिस्तान को 51 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 92 और आयुष बदोनी ने 65 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम का कोई और बल्लेबाज अफगानिस्तान के गेंदबाज के सामने टिक कर नहीं खेल सका और पूरी टीम 45.3 ओवरों में 221 रन बनाकर आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत तो अच्छी हुई और पहले विकेट के लिए 56 रन भी जोड़ दी, लेकिन बाद में मध्यक्रम बुरी तरह से बिखर गया और पूरी टीम 45.4 ओवरों में 170 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान के लिए रिया हुसैन ने 47 और रहमान उल्लाह ने 37 रन जोड़े, जबकि भारत के लिए सिद्धार्थ देसाई 4 और हर्ष त्यागी ने 3 विकेट लिए। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग के सीजन 5 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी गोवा का मुकाबला बराबरी पर छूटा। मैच की शुरुआत धीमी रही, लेकिन 8वें मिनट में नॉर्थ ईस्ट को गोवा के गोलकीपर की गलती का फायदा मिला। गोवा के गोलकीपर नवाज ने बॉक्स के बाहर गेंद हाथ से पकड़ ली, इस पर रेफरी ने नॉर्थ ईस्ट को फ्री किक दे दी जिसे फेडरिगो गालेगो ने आसानी से गोल की राह दिखा दी। एक गोल से पिछड़ने के बाद गोवा ने जल्दी वापसी की और कोरोमिना ने पहले 14वें और फिर 39वें मिनट में गोल दागकर गोवा को 2-1 से बढ़त दिला दी। पहले हाफ में गोवा 2-1 से आगे रहा, लेकिन दूसरे हाफ में नॉर्थ ईस्ट ने टीम के कप्तान ओंगवेचे के गोल के सहारे स्कोर 2-2 कर दिया। इसके बाद कोई टीम गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा। एफसी अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। कुआलालंपुर में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत को कोरिया ने 0-1 से हरा दिया। पेटालिंग जया स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले का पहला हाफ गोल रहित रहा। दूसरे हाफ के 67वें मिनट में कोरिया के लिए एकमात्र विजयी गोल जियोंग सांगविन ने किया। भारत ने बराबरी हासिल करने के लिए कोरियाई गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन कोरिया की मजबूत रक्षा पंक्ति को भारत नहीं भेद सका। इस हार से भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। भारत 16 साल बाद इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। 16 साल पहले भी भारत को क्वार्टर फाइनल में कोरिया ने ही शिकस्त दी थी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होगा, इसके संकेत मिलने लगे हैं और शायद अब रोनाल्डो मैदान पर कम और वकीलों और अदालतों के चक्कर लगाते हुए ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। लास वेगास में पुलिस ने पुर्तगाल के इस स्टार खिलाड़ी के खिलाफ दायर दुष्कर्म मामले की फाइल फिर से खोल दी है। पुलिस ने रोनाल्डो के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली अमेरिकी महिला की शिकायत पर यह कदम उठाया है। लास वेगास पुलिस ने कहा कि हमारे जासूस पीड़ित द्वारा दी गई जानकारियों के तहत मामले की छानबीन कर रहे हैं। अमेरिकी महिला ने रोनाल्डो पर 2009 में उनके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके कारण रोनाल्डो विवादों में घिर गए। रोनाल्डो ने आरोपों को खारिज किया है। स्पोर्ट्स डेस्क डीबी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।